हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं पालक से बनी हुई टेस्टी हेल्दी खिचड़ी, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कप चावल को पानी में भिगो देंगे और इसी के साथ ही अरहर दाल, जिसे हम तुअर दाल बोलते हैं, लगभग हाफ कप लगभग आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आधे घंटे के बाद अब इसे प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और जो इसमें वाटर है उसको हटा देंगे। दाल और चावल की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ऐड करने के बाद अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हमने लगभग हाफ टी स्पून लिया है। इसी के साथ ही अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें और इसमें लगभग 3 से 4 कप वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लें। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हमने इसको मेजरिंग कप से मेजर किया है। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और फिर जब विस्टल्स आने लगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इधर एक बर्तन में हमने वाटर लिया है। जब वाटर बॉयल होने लगे तब इसमें पालक के पत्ते ऐड कर दें। पत्ते को एक बार स्पैचुला से या इससे हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक बॉयल करेंगे हाई फ्लेम पे, जब तक पालक हल्की सॉफ्ट न हो जाए। बॉयल होने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ऐसे बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के एक बोल में रख के हल्का सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अभी इसे मिक्सचर जार में ऐड करेंगे। ठंडा करके पीसने से पालक बहुत ही इजीली पिस आ जाती है और कलर भी बहुत ही ग्रीन रहता है। आप चाहें तो इसको फ्रीज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, धनिया और इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल बारीक पीस लें और विस्टल्स खत्म होने के बाद एक बार दाल और चावल को ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। वाटर की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इधर हम तड़का तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल और इसमें जीरा और कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा बारीक कट किया है। स्पैचुला से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम को हमने हाई रखा है। आप चाहें तो इसको मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हैं अगर ये जल रहा है तो। फ्राई होते समय बीच में ही चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। हम इसे लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और बीच में इसको चलाते भी रहें। इसी के साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। कटे हुए टमाटर का टेस्ट और भी ज़्यादा परफेक्ट आता है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर हल्के सॉफ्ट ना होने स्टार्ट हो जाएं। कि देखिए जब टमाटर कुछ ऐसे फ्राई होने लगे तब इसमें हम हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो खिचड़ी बनाई है उसमें भी सॉल्ट ऐड किया है। इसी के साथ ही इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर और इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। गर्म मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। हमने लगभग हाफ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ ही लगभग हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद एक बार स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया से ये फ्राई हो रहा है। इस समय हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ऐसे तेल अलग सा ना दिखने लगे। अब इसमें पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था। हमने इसमें लहसुन पहले से ही ऐड किया है। अगर आप इसमें डायरेक्टली सिर्फ पालक पीस रहे हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से ऐड कर सकते हो भूनते समय। मिक्स कर लें, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें और ये जो मिक्सचर में थोड़ा सा रह गया था उसमें हल्का वाटर ऐड करके मिक्स कर दें। जब पालक थोड़ी देर फ्राई हो जाए तब इसमें वाटर ऐड करें। टोटल हम इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से ये जलेगा नहीं, हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये नीचे से जलने लगता है। और लगातार चलाते रहेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसका टेक्सचर कुछ ऐसा ना हो जाएगी। देखिए अब इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। फ्लेम को लो कर दें। अब इसमें जो हमने खिचड़ी बनाई है उसको ऐड कर दें। खिचड़ी में आप वाटर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हमने हल्की सी सूखी खिचड़ी बनाई है क्योंकि पालक ऐड करने के बाद ये हल्की सी लिक्विड जैसी हो जाएगी। सारी खिचड़ी कुकर से ऐड कर दें और फिर इसे मिक्स करें स्पैचुला की हेल्प से। इसे तब तक मिक्स करें जब तक खिचड़ी का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, जब तक ये बिल्कुल पालक के कलर की ना हो जाए। कि देखिए फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, हमें इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। लगातार मिक्स करते रहेंगे। कि देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और लगभग 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जब ये ऐसे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए 1 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करें, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक्ड हैं।
बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके हम तड़के तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन में लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। तड़के को हम देसी घी में ही बनाएंगे। आप चाहे तो बटर या ऑयल भी ले सकती हो और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दें। जब ये हल्का गर्म होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें हम ऐसे लहसुन की कलियां ऐड करेंगे बारीक कट करके। तड़के में हम लहसुन ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च या अदरक भी ऐड कर सकते हो और मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। बीच बीच में एक बार स्पैचुला या फिर स्पून के हेल्प से अच्छी तरह से चला लें। जब ये कुछ ऐसा हो जाए तब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऐसे सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद तुरंत ही फ्लेम ऑफ कर दें जब ये हल्का सा फ्राई होने लगे। हमें इसे बहुत ज्यादा जलाना भी नहीं है, बस लहसुन हल्के क्रिस्पी हो जाए तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख दें। आप चाहें तो तुरंत तड़का भी ऐड कर सकते हो। अब हम खिचड़ी को सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद ऊपर से गर्मा गर्म तड़का ऐड करेंगे। देखिए खिचड़ी कितनी परफेक्ट दिख रही है और तड़का ऐड करने के बाद ये और भी टेस्टी लगती है। आप तड़का अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हमारी पालक की टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।